सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा क्विज है वो हम नवम वर्ग का बनाए हैं। तो नवम वर्ग का जो जो भूगोल के विषय का आपदा प्रबंधन चैप्टर है, उस पर जो है हम लोग पिछले वीडियोज में भी चर्चा कर चुके हैं, और आज भी हम लोग आपदा प्रबंधन चैप्टर से ही चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया है आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार की होती है। जैसे प्राकृतिक आपदा पहला होता है, दूसरा है मानवीय मानवकृत आपदा, और तीसरा है प्राकृतिक और मानवकृत आपदा। तो आज जो है जो भी चीज़ हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं वह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आने वाले जो भी चीज़ है उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वह है बादल फटना। तो इसमें हमने लिखा है बादल फटना का कि बादल फटना एक बारिश का चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। ओले समझ रहे हैं, जो बर्फ का टुकड़ा होता है, जो कभी कहते हैं कि बर्फ गिर रहा है, तो यह यही होता है, ओले से ही को कहा जाता है। तो ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी के से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर घटित होती है। आप लोग ये सभी जानते हैं बच्चों कि क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है, जो पृथ्वी से जो है तल से धरातल से ऊपर जो है 15 किलोमीटर ऊपर जो है बादलों का निर्माण होता है। तो ये बादल फटते हैं बच्चों, आप लोगों को जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, और इसमें बादल जो है जो निचली स्तर से उड़ाते हैं और अचानक जो है बादल बरसते बरसते संगठित हो जाते हैं एक ही जगह पर जो है संगठित होकर, और ये इतना ज़्यादा बरसात कर देते हैं कि वहाँ पे जो है बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग कहने लगते हैं, मकाने जो है धंस जाती हैं, बहुत ही भयावह स्थिति दिखाई देती है। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। बच्चों, बादल फटना जो है एक सामान्य घटना में नहीं आता है, बल्कि ये जो है एक विनाशकारी घटना के रूप में भी इसे देखा जाता है। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग जो है इस चीज़ को अपने फेसबुक में लिखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों को जानना चाहिए कि बादल आजकल के प्राकृतिक जो वातावरण है, हमारा माहौल है, उसमें बादलों को फटने वाली घटनाएं अधिक हो रही हैं। इसके भी कई कारण हैं। तो पहला कारण है मानव की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो है इससे होने वाले जो प्रदूषण है, यह भी एक मुख्य कारण है। चलिए आइए आज हम जानते हैं कि बादल फटना का जो घटना है उसके आपदा प्रबंधन के उपाय क्या है, मतलब उसके बचाव के उपाय क्या है। तो पहला है कि मानव की जो है जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। अब आप लोग पूछेंगे कि जनसंख्या से इसका क्या तात्पर्य है, तो हाँ है, क्योंकि प्राकृतिक में जो संतुलन है, और संतुलन गैसों का जो संतुलन है या जो वायुमंडल का जो संतुलन है, वह बिगड़ चुका है, और इससे कि प्राकृतिक घटनाएँ जो है अधिक हो रही है। तो इसमें आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है अलग अलग जहरीली गैसों का जो है उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए घातक है। ठीक ना बच्चों? तो समय पर बारिश नहीं होना, और जो है कहीं बारिश भी होना तो अधिक अत्यधिक हो जाना, आशंका से अधिक हो जाना, जिससे कि बादल फटने से घटनाएं घटित हो जाती है। ठीक ना बच्चों? दूसरा नंबर है अनाधिक पेड़ की कटाई, जो कि मनुष्य अपने आवश्यकता बस अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की जो है अनाधिक कटाई कर रहा है, यह भी जो है वायुमंडल के संतुलन को जो है बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। ठीक ना बच्चों? और जो है तीसरा पॉइंट जो है वह है बादल फटने वाली जो घटनाएं है, अगर वैसे जो है अगर वहाँ पे स्थिति बनती है कि यहाँ पे बादल फट सकता है, तो जो है सरकार जो है मौसम विभाग जो है उसे पहले से लोगों को सूचित करें कि जो है आप सतर्क रहिएगा, घर से बाहर न निकलें, और जो है इस क्षेत्र में सतर्क रहें जहाँ पे बादल फटने वाली है। तो
तो इस तरह से हम जो है लोगों को पहले से पूर्व सूचित करके इसे जो है इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि लोगों को जो है इससे बचने के प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। अगर अचानक कहीं बादल फट जाते हैं तो लोगों को जो है इसे बचने के प्रशिक्षित करना चाहिए और जो है किस प्रकार इसे बचा जाए। ठीक ना बच्चों, तो ये सब जो भी उपरोक्त बातें आप लोगों को बताए हैं या ये बादल फटने के बारे में जो भी हम लोग चर्चाएँ किए हैं, आप लोग आज किताब के माध्यम से जो है आप लोग मिला लेंगे और इसे पढ़ने का उनसे प्रयास करेंगे ताकि जो है हमारे जो भी बात आप लोगों ने बताया है वो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों इसे आप लोग लिखेंगे, तो बच्चों आज जो है आप लोग जो है खेल को भी तैयार कीजिए और भली भांति से याद करें। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।